नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंबई की एक और प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड, जो कि है चीज़ी पाव भाजी की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं किरण की रसोई से चीज़ी पाव भाजी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं। ये है मेरे पास गोभी, गाजर, आलू और थोड़ा सा घिया, और मटर भी हैं कुछ। तो इन्हें मैंने मोटा काट लिया है और अच्छे से धो लिया। और मेरे पास है ये पाव फ्रेश, और ये है दो तरह की चीज़। ये है मोजरेला चीज़, ये है चीज़ स्लाइस। और टमाटर का पेस्ट मैंने ज़्यादा लिया है यहाँ पर। यहाँ पे 3 से 4 बड़े टमाटर और 2 हरी मिर्च को मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और ये लहसुन और अदरक प्याज का पेस्ट है, इसे कम रखा है, टमाटर का ज़्यादा है। इसे टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी। और हमारी प्यारी मसालेदानी के सारे मसाले हम इस्तेमाल करेंगे, उसी के साथ थोड़ी सी हींग भी मैं डालूंगी। और मेरे पास है ये पाव भाजी मसाला, और साथ में इन सबको पकाने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए बनाते हैं किरण की रसोई से चीज़ी पाव भाजी। सबसे पहले हम जो सब्जियां हैं उन्हें एक विसल दिलवा लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कुकर ले रही हूँ और ये सारी सब्जियों को इसमें डाल रही हूँ। और उसमें हम 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और हल्की सी हल्दी भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसे हम एक विसल दिलवा देंगे। अब देखिए, 1 सीटी दिलाने के बाद हमारी ये सब्जियाँ किस तरह से गल चुकी हैं। और इन्हें मैं करछी की सहायता से मैश कर लूँगी थोड़ा। और गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालकर भी इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। पानी इसमें रहने देंगे, थोड़ा हम इसे खुले में पकाएंगे। अच्छे से आप इसे मैश कर लें। देखिए सारी सब्जी गल चुकी है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जी को मैश करने में, पर मैं थोड़ी मोटी रखती हूँ, उसका टेस्ट अच्छा रहता है। ये थोड़ी सी मैं पानी वाली पाव भाजी, मुझे आज मन कर रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड किया है। इस तरह से ये हमारी सब्जियाँ मैश हो जाएंगी। कुछ हम कढ़ाई में ही मैश करेंगे। और हमारा यहाँ पे रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग। अब रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर हींग ऐड कर रही हूँ और साथ ही 1 छोटा चम्मच जीरा और इसी के साथ ये प्याज और लहसुन का पेस्ट है। इसे चलाते हुए हमें ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक भूनना है, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे, ना लहसुन का ना प्याज का। ये देखिए इस तरह से ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं ये टमाटो प्यूरी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे ऑयल जब तक साइडों से ना निकल रहा है तब तक हमें भूनना है। और साथ ही हम मसाले भी ऐड करेंगे। अच्छे तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर, नमक हमने सब्जियों को बॉईल करते हुए भी डाला था, उसको ध्यान रखते हुए आप स्वाद अनुसार नमक इसके अंदर ऐड करें। और ये है 1 बड़ा चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया। हल्दी पाउडर है 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच देगी मिर्च पाउडर। गरम मसाला 1/3 चम्मच और पाव भाजी मसाला इसके अंदर जाएगा 1 से 1.5 चम्मच। और इसे मिक्स कर देंगे सारे मसालों को अच्छे से, और इसे ऑयल साइडों से निकल जाए तब तक पकने देंगे। ये देखिए साइडों से ऑयल निकल रहा है, मसाला हमारा पक चुका है। अब मैं इसके अंदर ये सब्जियों का मिक्स है जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। हम
अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और खुले में ही इसे मैश करते हुए पकने दें। ये हम जाए। और अब एक तड़का पैन में मैंने आधा चम्मच देसी घी गरम किया है और इसमें मैं हल्की सी देगी मिर्च डालूंगी और एक डबल तड़का हम ऊपर से इसमें देंगे। ये देखिए, तो इससे इसका कलर और फ्लेवर दोनों अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी भाजी होगी रेडी। और अब हम पाव तैयार करते हैं। तवा लिया है पाव को गर्म करने के लिए। तो पाव को गर्म करने के लिए पहले हम बटर डालेंगे। पाव को इस तरह से सेक लें दोनों साइड से बटर लगाकर। इस तरह से मैं दोनों साइड में लगा रही हूँ। देखेंगे इस साइड तक सिक रहा है ये बटर। और ये है मेरे पास मोजरेला चीज़, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, ग्रेट करके डाल सकते हैं। भाजी गर्म है तो चीज़ उसी में मेल्ट हो जाएगी। और इसमें हम डालेंगे ऊपर से ये ऑनियन, प्याज, हल्का सा पाव भाजी मसाला डालूँगी मैं और हरा धनिया। तो तैयार है दोस्तों किरण की रसोई से चीज़ सी पाव भाजी की रेसिपी। तो इस तरह से आप बनाइए, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। और एक पाव मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये चीज़, ये देखिए, ये हमारी चीज़ वाली पाव भाजी तैयार है। बच्चे बिल्कुल नहीं रुक पाएंगे इसे बनते ही। और इसे इसमें डिप करें और टेस्ट करती हूँ मैं। किरण की रसोई से चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।